महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच महाविकास अघाड़ी सरकार के सहयोगी दल लगातार बैठकें कर रहे हैं। ऐसी एक बैठक शुक्रवार को एनसीपी और शिवसेना के बीच हुई। बैठक में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के साथ शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मौजूद रहे। आज तक से जुड़े साहिल जोशी की रिपोर्ट के मुताबिक शिंदे की बगावत को लेकर बैठक में एनसीपी नेताओं ने शिवसेना की टॉप लीडरशिप पर ही सीधे सवाल खड़े कर दिए। वहीं शरद पवार ने उद्धव से कानूनी समेत सभी विकल्प तलाशने को कहा। आज तक की खबर के मुताबिक बैठक में एनसीपी नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर शिवसेना के अंदर इतनी बड़ी बगावत हो गई और टॉप लीडरशिप को इसका पता भी नहीं लगा। यह हैरान करने वाली बात है। खबर के मुताबिक एनसीपी नेताओं ने शिवसेना के अंदर हो रही बगावत को लेकर पूछा, इतने बड़े स्तर पर बगावत को लेकर पहले से शिवसेना नेतृत्व को पता क्यों नहीं लगा? यह अजीब लगता है। शिवसेना के जो नेता सीएम हाउस में हुई बैठक में शामिल हुए थे, वे बाद में बागी होकर गुवाहाटी चले गए। आखिर पूरे मामले को लेकर शिवसेना के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जा रही है? आखिर पूरे मामले को लेकर शिवसेना के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी जा रही? इन सवालों पर शिवसेना की तरफ से सीएम उद्धव ठाकरे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, बगावत से पहले एकनाथ शिंदे हमारे पास आए थे। शिंदे की मांग थी कि शिवसेना फिर से बीजेपी के साथ जाने पर विचार करे। साथ ही शिंदे ने फंड और अन्य विकास के मुद्दों पर विधायकों की शिकायत रखी थी। मैंने उनसे कहा कि हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, लेकिन फंड के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बैठक में सीएम ठाकरे ने बताया कि कुछ बागी विधायक एसएमएस के जरिए उनसे बात कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही बागी विधायक महाराष्ट्र आएंगे और वापस उनका साथ देंगे। वहीं सीएम ठाकरे ने विधायकों के बागी होकर गुवाहाटी जाने के तरीके पर भी अपनी नाखुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया के सवाल पर उद्धव ठाकरे ने शरद पवार से कहा कि बगावत होने के बाद शुरू में किसी भी हिंसा या विरोध के खिलाफ कैडर को निर्देश दिया गया था। अंदेशा था कि यह काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में हमारे कार्यकर्ता इसे लेकर जमीन पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी उदय ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।